हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। दोस्तों, आज मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने गाजर के हलवे की दो रेसिपी शेयर की है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मुझे नई नई रेसिपी बनाने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/2 kg गाजर को मैंने छीलकर अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लिया है। 1 लीटर गाय का फुल क्रीम दूध, 100 ग्राम मिल्क पाउडर, 150 ग्राम चीनी। मैंने चीनी 150 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि मिल्क पाउडर भी काफ़ी मीठा होता है। 3 टेबल स्पून देसी घी। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, किशमिश, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। 5 हरी इलायची को मैंने कूट लिया है। सबसे पहले दूध को उबाल लेना है। दूध में उबाल आ गया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक गाढ़ा कर लेना है। मैंने दूध को गाढ़ा होने के लिए दूसरे फ्लेम पे रख दिया है। इधर पैन गरम हो गया है। देसी घी डाल देना है। थोड़ा सा घी बचा लेना है। घी गरम हो गई है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देना है। इसमें गाजर का पानी सुखा लेना है। पांच मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर गाजर का पानी सुखाते हुए। अब इसका पानी सूख चुका है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर दूध को गाढ़ा होते हुए। अब इसको डाल देना है गाजर में। अब फ्लेम को हाई कर देना है। दूध डालने के बाद मैंने गाजर को हाई फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाया है। अब इसमें चीनी डाल देना है। फ्लेम को हाई रखना है। चीनी डालने के बाद मैंने इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाया है। अब इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है। अब फ्लेम को मीडियम कर देना है। फिर जो मैंने देसी घी बचाया था उसे डाल देना है। कुटी हुई इलायची, अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। मैंने थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। बादाम, काजू, किशमिश। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट तक पका लिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हमारा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।